नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश के गांव मोदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रदेश के संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की पुरानी मांग को पूरा करते हुए मोदड़ी गांव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व शोध कार्य में मदद मिलेगी। यह अभिव्यक्ति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के मुदड़ी में कार्य ग्रहण करने के बाद में उपस्थित विद्वान जनों से बातचीत करते हुए की। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त पाश गुप्ता सहित विभिन्न संस्थानों से पहुंचे संस्कृत विद्वान आचार्य ग्रामीण तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आहुति डाली। डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी ने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का आधार है तथा वे एक सेवक के रूप में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की वर्षों पुरानी मांग को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ने इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाने व संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कौशल के बिना जीवन सफल नहीं है। डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी ने कहा कि देश में 16 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं तथा मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय 17वां होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा प्रदान करने वाले लगभग 70 गुरुकुल स्थित हैं। उनकी प्राथमिकता यह होगी कि इन सभी गुरुकुलों को इस विश्वविद्यालय से मान्यता देकर के सहसंबंध किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी शैक्षणिक स्तर में इस संस्कृत विश्वविद्यालय की कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को केवल संस्कृत उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। वे इस विश्वविद्यालय में MBBS की डिग्री भी शुरू करवाएंगे तथा संस्कृत में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ही इसमें दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान जैसे विषयों को भी संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर कुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य श्याम सुंदर बंसल, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ज्योति बेंद्रा, डॉक्टर रामेश्वर दत्त, सुरेंद्र मोहन मिश्र, फूल कुमार देवी दयाल, शिव नारायण शर्मा, बहन पुष्पा, डॉक्टर अमृता, जीवन शर्मा, स्वामी प्रसाद मिश्र, जयप्रकाश मिथिलेश आचार्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातक कौर विश्वविद्यालय के प्राचार्य ऋषिपाल वेदी, राम निवास, इसके अलावा अन्य ग्रामीण व देश के विभिन्न भागों से पहुंचे संस्कृत के विद्वान मौजूद रहे। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। जब हमने इस गाड़ी से यहाँ प्रवेश, भाई और बंधु यहाँ पहुँच गए हो तो आप सबके रोम रोम से निकलने वाली आज संस्कृत भाषा के प्रति जो आपका प्रेम और एक अपनापन है, और हमारे यशस्वी भाई श्री डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी जी, ये इनका वर्षों का प्रयास चल ही रहा था। बारम्बार बात करते थे आप यहाँ कहना, तो मैंने कहा कि कहने कवाने से कुछ नहीं होगा, बस जहाँ संस्कृत की बात है सब एक साथ मिलजुल करके एकजुट होने की आवश्यकता है। लोग अक्सर संरोपण करते हैं कि ये संस्कृत की बात करते हैं जो विद्वान लोग, ये मुंडे मुंडे मित्र बन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, ये सब अपना अपना राग लापते हैं, परंतु ये हम सबने इस बात को आज संकल्प रूप से धारण कर लेना है कि संस्कृत का उद्धार करने के लिए, अपनी माँ के यश को वर्धमान करने के लिए अगर हमें मिट्टी में मिल जाना पड़े। देखिए, अभी तक हरियाणा में जब से हरियाणा बना, जब से किसी भी गुरुकुल के लिए या किसी भी संस्कृत विद्यालय के लिए, संस्कृत महाविद्यालय के लिए कोई प्रश्रय देने वाली संस्था नहीं थी, ना ही उनकी कोई सुनने वाले थे। तो इसलिए संस्कृत जगत ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया, जिसको करते रहे निरंतर, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। घोषणाएं तो कर देते थे लेकिन मूर्त रूप से परिणति किसी ने नहीं दी। लेकिन हमारे माननीय यशस्वी
मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी जब से आए, उनका जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वो स्वयं सेवक हैं। पहले उनकी प्रत्येक विचारधारा में स्थान है देश हित चिंतन का, इसलिए, और देश का हित हो सकता है उसकी अपनी संस्कृति में और भाषा में। तो हमारे देश की संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत गुरुकुलों के संरक्षण के लिए ये विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अभी तो देखिए, सबसे पहले काम है हमारा इन गुरुकुलों को, जो 70 लगभग हमारे यहाँ संस्कृत के गुरुकुल हैं, जिनको आप दूसरे नाम में संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, पाठशालाएं, गुरुकुल आदि कह सकते हैं, ये 70 हैं। तो इन 70 को पहले हम मान्यता देना चाहेंगे, हाँ, इनको संबद्ध करेंगे और इनकी परीक्षा लेंगे। उसके बाद वहाँ से जो पास होकर के उत्तीर्ण होकर के बच्चा आएगा, वो हमारे इस महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनेंगे। प्रयास ये है कि अगले सत्र अवश्य शुरू हो जाए। गुरुकुल के ही बच्चे नहीं, ये संस्कृत विश्वविद्यालय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत में 16 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, 17वां विश्वविद्यालय ये अपना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। उनमें क्या है, कुछ नवाचार का अभाव देखा है, जिसको मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी जो वेदना है, अपनी जो हम कर सकते हैं वो संभावनाएं व्यक्त की हैं, जिनको सुन करके उन्हें अच्छा लगा, सरकार को भी अच्छा लगा। तो इस विश्वविद्यालय में 8 संकाय हैं, उसमें आयुर्वेद संकाय भी है। तो हम चाहेंगे जो 12वीं बच्चा संस्कृत के साथ उत्तीर्ण होता है, बायोलॉजी हो उसके पास ठीक है, लेकिन वो BMS में प्रवेश लेगा, तभी हमारे चरक और सुश्रुत इन ग्रंथों को पढ़ा जाए। उसमें हम ये चाहेंगे कि चाहे वो +2 से सामान्य शिक्षा से भी बच्चा आ रहा है, लेकिन संस्कृत होना चाहिए, ऐसे बच्चों को हम BMS में प्रवेश देना चाहेंगे, ये अपनी योजना है। दूसरा, हम चाहेंगे जीव विज्ञान में भी पैदा हो बच्चे, संस्कृत माध्यम संस्कृत होगा, हमारा पठन पाठन का माध्यम संस्कृत होगा, हम जीव विज्ञान भी पढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि हमारे हर मंच से कहा जाता है कि वेदों में तो विमान शास्त्र है, वेदों में पुष्पक विमान जैसे बनाने की जो ना क्षमता है उनमें उल्लेख है, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, तो लेकिन है कहाँ। इन सब विषयों को हम मूर्त रूप में लाना चाहेंगे, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वैदिक गणित हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, उनको मॉडर्न और हमारे जो संस्कृत वांग्मय में, वेदों में, पुराण में, इतिहास में, महाभारत में जहाँ जो कुछ उल्लेख आए हैं, ऐसा हम इस तरह का पाठ्यक्रम बनाना चाहेंगे जो अन्य विषयों से, अन्य विश्वविद्यालयों से अपने आप में भिन्न हो और एक हरियाणा उदाहरण बने, भारत में ही नहीं विश्व में उसका नाम हो, ऐसा एक संकल्प है। संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी, बन गया, इसे भी आवाज बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और ये तो वो वाली बात हुई जब मैं अब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं इसमें सेवक के रूप में मैंने आरंभ से जहाँ से पंजिका चली वहाँ से भूमिका निभाने का प्रयास किया है। यद्यपि सरकार का अवदान है, सरकार ना चाहे तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, समाज ना चाहे तो सरकार क्या कर सकती है, इसलिए समाज का मुझे पूर्ण सहयोग मिला, सरकार का पूर्ण सहयोग मिला। तो वो कुरुक्षेत्र वाली जो बात आपने उठाई कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, इसलिए उस एक्ट में, संविधान में इन बातों को हमने ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं बीच बीच में उल्लेख किया है, इसलिए मैं समझता हूँ वो बात दोहराई नहीं जा सकती है। हाँ, अच्छा।